जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। MDH वाले धर्मपाल गुलाटी की मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें धर्मपाल एक अस्पताल के बेड पर लेटे नजर आ रहे हैं। उनके पास खड़ा एक शख्स जो गाना गा रहा है प्रीत जहां की रीत सदा। आसपास खड़े लोग तालियां बजा रहे हैं। धर्मपाल भी इसी देशभक्ति गीत में पूरी तरह डूबे हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यह धर्मपाल गुलाटी के आखिरी समय का वीडियो है। यही जानने के लिए आज प्रकाश की टीम ने उस शख्स को ढूंढ निकाला जिसने यह गाना गाया था। तो वो शख्स अंबाला का रहने वाला है, जिसका नाम राकेश आहूजा है और अंबाला के पंसारी बाजार में अपनी दुकान चलाते हैं और महाशय द्वारा बनाए प्रोडक्ट बेचते हैं और उनसे कई बार मिल चुके हैं। वह कई बार अंबाला राकेश के पास आ चुके हैं। राकेश से मिलने के बाद उन्होंने बताया वे शुरू से उनके बनाए मसाले बेचते रहे हैं। उन्होंने बताया कि 35 साल से महाशय जी के साथ जुड़े हुए थे, मेरे दादाजी ने उनसे मिलवाया था। उन्होंने कहा कि महाशय जी काफ़ी कर्मठ व ईमानदार थे। वायरल वीडियो के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया कि ये वीडियो 2019 नवंबर का है, जब उनकी तबीयत खराब हुई थी और वे अस्पताल में दाखिल थे। तब मैंने ये गीत उनके लिए गाया था जिसमें वे भी तालियां बजाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वे मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे। मैं राकेश आहूजा, सेक्रेटरी पंसारी बाजार एसोसिएशन। महाशय जी से जो है वो कुछ 35 साल से मैं जुड़ा हुआ था और वो मुझे अपने बेटे की तरह ही समझते थे और बहुत बार वो हमारी शॉप पर यहाँ अंबाला आए भी। और मेरे दादाजी ने जो उनके बारे में बताया वो बहुत ही कर्मठ और बहुत ही ईमानदार। हमें जो ईमानदारी का पाठ मेरे दादाजी ने और महाशय जी ने पढ़ाया, उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ और अपना काम सुचारू रूप से कर रहा हूँ। महाशय जी से मैंने जो जीवन में सीखा वो ये था कि एक तो अपना जो व्यापार है वो हमें बिल्कुल साफ सुथरा और ईमानदारी से करना चाहिए, उसमें कोई भी किसी भी तरह का धोखा या फरेब हम लोगों को नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो हम माल बेच रहे हैं उस माल में भी जो है वो किसी भी तरह की ग्राहक जो है वो भगवान की तरह है, उसे हमने धोखा नहीं देना, उसे ईमानदारी से हमने जो है वो अपना माल बेचना है। और यही वो बात हमेशा मुझसे कहा करते थे कि व्यापार जो है वो अपना व्यवहार और व्यापार दोनों बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, जिसकी वजह से हमारा चरित्र जो है वो कस्टमर के सामने, ग्राहक के सामने बिल्कुल ठीक जाता है। राकेश जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है, किसी हॉस्पिटल में है, आप भी, आपके दोस्त लोग गाना गा रहे हैं देशभक्ति का, तो क्या कहेंगे उसके वीडियो को? वो एक जज्बा महाशय जी को देखकर मुझे अक्सर आ जाया करता है मन में, क्योंकि वो जब मैं अक्सर उन्हें देखता था कि कभी मधुर मिलन समारोह बहुत सारे मैंने MDH के अटेंड किए, तकरीबन 30 साल से मैं देखता रहा कि वो बहुत सारे प्रोग्रामों में महाशय जी जब भी किसी प्रोग्राम में एंटर होते थे तो नाचते हुए एंटर होते थे। तो ये उनका एक समझो ब्रांड था, डांस करना, ढोल पे नाचना। तो वो ये गाने को अक्सर मुझसे सुना करते थे। तो उस दिन जब मैं हॉस्पिटल महाशय जी को देखने के लिए गया, ये बात है कुछ नवंबर पिछले वर्ष 2019 नवंबर या दिसंबर की, तो महाशय जी उस वक्त कुछ तबीयत उनकी ठीक नहीं चल रही थी, मुझे पता लगा अपने सेल्समैन या एरिया मैनेजर से। तो मैं उन्हें देखने के लिए दिल्ली गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि महाशय जी जो है वो मुझे पहचान भी नहीं रहे। तो मुझे वो क्षण याद है कि मैंने डॉक्टर से बात की कि कहीं ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पर उनके लिए कुछ कर सकूँ। तो डॉक्टर से पूछा क्या करना चाहते हैं, तो मैंने कहा जी अक्सर महाशय जी मेरे इस गीत पर बड़ा झूमा करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप एज ए ट्रायल। तो आसपास जो लोग खड़े हैं वो कोई ना तो मेरे रिश्तेदार हैं ना महाशय जी के रिश्तेदार हैं, वो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, वार्ड बॉयज़ हैं। और मैंने उनकी इजाज़त से मैंने उन्हें सबको क्लब करके ये कहा कि आप इस गाने में ताली का रोल है तो आप ताली बजाएं और इसमें थोड़ा सा म्यूज़िक हम क्रिएट करते हैं। तो मैंने वहाँ पे वो गीत गाया।
जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई देता ना दशमलव भारत तो फिर चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है, हो इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। महाशय जी के लिए। और आपने वीडियो में साफ देखा होगा कि महाशय जी का हाथ जो है वो मेरे सिर पर आशीर्वाद देते हुए, और कुछ समय के बाद वो नाचने भी लगे। तो म्यूजिक थेरेपी को मैं हमेशा ये समझता आया हूँ कि कभी भी हम उदास बैठे होते हैं या हमारा शरीर डाउन होता है, तो एक तरह का समझो ग्लूकोन डी है हमारे लिए वो म्यूजिक, और वही वो साबित हुआ महाशय अरे जी जी, के लिए। अब महाशय जी हमारे बीच नहीं है तो क्या कहेंगे इस बात? ये सर एक भगवान का भेजा हुआ दूत था जो कि धरती पर आया, बिजनेसमैन को जीना सिखा के गया कि हमें जो है वो अपने व्यापार के अंदर किस तरह से ईमानदारी और परख के साथ काम करना है। उनकी जो परख थी, मैं आज इस बात को यहाँ बताना चाहूँगा कि हम लोग जो माल यहाँ बेचते हैं या मतलब वो उनसे प्रेरित होकर बेचते हैं, क्योंकि मैंने मसाले के अंदर कभी भी, चाहे वो लौंग है, दालचीनी है, जायफल है, हर चीज़ की क्वालिटी महाशय जी की जो थी वो इतनी बढ़िया थी कि हम मतलब मैंने किसी रिटेल की दुकान पे भी बिकते ऐसा माल को नहीं देखा जिस माल को महाशय जी पीसा करते थे। और वो कहते थे हमेशा कि जितना बढ़िया माल होगा उतना ही उसमें ज़्यादा स्वाद आएगा। और यही बात आज MDH को औरों से अलग करती है कि भाई वो आज यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि उनकी सोच में ये था कि हमने पीस के भी देना है तो बढ़िया माल पीस के देना, किसी को हल्की चीज़ नहीं देनी। इसी करके आज आज वर्ल्ड में MDS सबसे आगे है। और क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने कैरियर कहाँ से शुरू किया, कैसे महसूस? महाशय मेरे दादाजी बताया करते थे, मैं देखो पूरा वक्त इतनी मेरी एज उम्र नहीं, मेरे दादाजी बताया करते थे कि जब वो आए थे, आपने जिन्हें उनकी कई जगह देखी होगी, बड़े छोटे से लेवल से महाशय जी ने लायलपुर से आए थे और यहाँ इंडिया में आके शुरू किया। मुझे इतना याद है कि वो शुरू शुरू में सिर्फ देगी मिर्च ही आया करती थी और महाशय जी अपने हाथ से मिर्च कूटा करते थे, और शाहबाद से कोई फर्म से उनको मिर्च जाया करती थी, और वो मिर्च जो है वो धीरे 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 देगी मिर्च का रूप लिया उसने, और उसके बाद चाट मसाला आया, और धीरे धीरे बाकी मसाले भी जो है ये सब कंपनी जो है वो मेरे सामने धीरे धीरे देखते देखते ही यहाँ तक पहुँची है। और हमारा आशीर्वाद, हमारे पे जो महाशय जी का आशीर्वाद है वो हमारे बिजनेस में आज भी इतना है कि सच्चाई की राह पर चलते हुए हम कभी भी अपने ग्राहक को या कहीं ये नहीं समझते कि आज ये ग्राहक कोई
को लूटना है या इससे, वो हमेशा से यही कहते थे कि गाहक हमारा भगवान है। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।